सो so, आज है डे सिक्स ऑफ डूइंग द थिंग्स दैट आई लाइक दिन की शुरुआत हम करते हैं एफर्मेशन के साथ यूजली बट आज हमने नहीं कही बिकॉज हम ऑलरेडी एक्सरसाइज के लिए लेट थे दस मिनट हेलीकॉप्टर बन के मैंने की स्कीपिंग उसके बाद मैंने किए अपने हंड्रेड स्कोड्स देखते हैं हमें इक्कीस दिन के बाद क्या फ़र्क दिखता है अपनी टांगों में कंसिस्टेंसी इज द की दे से तो मैं देखना चाहती हूँ कि मैं कितनी कंसिस्टेंट रह सकती हूँ अपनी एक्सरसाइज को लेकर और मेरा मकसद एक्सरसाइज करने का ये नहीं होता कि आई वॉन्ट टू गेट थिन या आई वॉन्ट टू गेट टोन बस जब एक्सरसाइज करने के बाद जब आपकी हार्ट बीट फास्ट होती है और आप कूल cool डाउन होते हो यार उस टाइम पे जो नींद आती है ना वो सबसे मस्त नींद होती है एंड uh, मैंने हंड्रेड रिकॉर्ड्स करने के बाद हाई नीज किए हैं फोर्टी रेपिटेशन्स करने के बाद मैं टेन सेकेंड्स का ब्रेक ले रही हूँ एंड उसके बाद मैं कर रही हूँ अपने प्लैंक्स मैंने आप लोगों को कल एक वीडियो में कहा था कि मैं एक अलग तरीके से प्लैंक कर रही हूँ मैंने कहीं इंस्टाग्राम्स पे देखे थे क्योंकि मेरी इंस्टाग्राम फीड ही इन सब चीज़ों से भरी हुई आती है बट मैं ऑन स्क्रीन बेवकूफ नहीं लगना चाहती गलत प्लैंक करते हुए अच्छा मुझे एक बात बताओ जब इंसान एक्सरसाइज करता है तो उसे ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी में उसका ब्लड फ्लो बढ़ गया है और उस वो जाग जाता है बेसिकली और मुझे नींद आती है मैंने अभी सेवन टू एट मंथ्स बैक मैंने अभी जिम की है बट जब भी मैं जिम करने जाती थी वन एवर आई यूश टू डू कार्डियो मुझे नींद आ जाती थी और यहाँ पे मैं लॉर्ड बॉबी ब्यो बॉबी ब्यो बॉबी <laughs> ब्योही की तरह कमल जुदू करते हुए मुझे वो गाना नहीं पता बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसे फील आ रही थी एंड नहीं मैं ये डांस नहीं कर रही थी मैं देख रही थी कि हमारी जो कारपेटिंग है उसके नीचे कोई लिफाफा फंसा हुआ फसा इट वॉज मेकिंग सम समियर नॉइस एंड उसके बाद आई डिड माई वैक्यूम्स एंड क्या ही बोलूँ ये वैक्यूम ही था या कुछ और ही था बट ये स्टिल आई एम ट्राइंग बिकॉज मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को ये कहते हुए देखा है कि इफ़ यू डू वैक्यूम्स आपकी वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी रहती है साइज में सो ओबियसली ऑल गर्ल्स वॉन्ट दैट अब नहा धोने के बाद मेरा मन नहीं था कि मैं वापस अपने बेड पर घुसूँ या रजाई में, में बैठूँ क्योंकि माहौल इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग था दिन भी बहुत ज़्यादा ठंडा था ना कोई धूप चढ़ी हुई थी ना कुछ तो मैं अपने आंगन में कुछ सॉन्ग्स लगा के भूतों की तरह मंडरा रही थी एंड मंडराते मंडराते मुझे ये मनी प्लांट दिखा जिसके सारे डेड लीव्स मैंने निकाल दिए फिर मुझे याद आया कि मैंने छत पर प्लांट किए हैं छः पौधे है। और उसमें से एक प्लिक्स का पौधा है जो मुझे पता नहीं है कि कौन सा पेड़ या पत्ता उगेगा उसमें से तो मैंने उन्हें जाके वाटर किया एंड मैं लिटरली देख रही थी कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा ऐसा ना हो कि ये प्लांट्स डेड हो जाएँ आई होप सो ये कुछ ना कुछ उगें तो ये है हमारी भाभी ये मेरे असाइनमेंट्स बना रही हैं <laughs> देखिए कितनी मेहनती हैं अभी इन्होंने मेरे को ब्रेकफास्ट करवाया है भगवान <laughs> ऐसी भाभी सब दे और अब ये मेरे असाइनमेंट्स बनवा रही हैं बना रही हैं और अब मैं आराम से घूमूंगी और मैं चली मूवी देखने बाय बाय <laughs> उसके बाद टाइम था लंच का और आप सबको पता है कि लंच से आधा घंटा पहले हम पीते हैं प्लिक्स और पता नहीं कि मुझे आदत लगी अब जब भी खाने का टाइम होता ना तो मुझे आधा घंटा पहले मेरा ब्रेन क्लिक कर जाता है कि हाँ यार मैंने प्लिक्स पीना है दोपहर तो को और शाम को बड़ा मज़ेदार फ्लेवर था इसके बाद हमने कुछ फ्रिक्वेंसीज लगाई थी एंड मैंने कम से कम फोर्टी फाइव मिनट्स परफॉर्म किया होगा मुझे टाइम याद नहीं बिकॉज मैं खो गई थी एफमेशन में उसके बाद हमारी बहुजाई जी ने रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें छमिन्स खाने हैं और वो भी हमारे हाथों के तो हम गए बाज़ार और सामान लेके आए और आप देख सकते हैं हम कैसे शूरी को बहुत ज़्यादा तीखा कर रहे हैं ताकि हम अपनी शिमला मिर्च और प्याज को अच्छे से काट सकें अब देखिए हम बहुत अच्छे से काटेंगे और मुझे ऐसे ही सब्ज़ी काटना आता है सो यू डू नॉट जज मई कटिंग स्किल्स हम लाए हैं चिंग्स चाइनीज़ चाउमिन एंड हमें फाड़ना भी नहीं आता फलाफा लिफाफा एम्ट से तो हम छुरी के साथ ही इसे काटते हैं पहले हमें लगा कि चाउमीन के लिए हमें तीन प्याज काट लेने चाहिए बट हमने जब प्याज का साइज़ देखा तो हमें ऐसा लगा कि दो बहुत है एंड मैंने कहीं देखा था कि चाउमीन काट अगर तुम काट रहे हो प्याज चाउमीन के लिए तो एक प्याज जो है वो तुम सीधा सीधा काटो एंड एक प्याज जो है तुम उसके बॉटम से उसे काटो <laughs> मैंने चाकू भी उल्टा पकड़ा है ना बिहेविंग लाइक अ प्रोफेशनल मुझे सच में प्याज भी इतने अच्छे से सब्जी काटना नहीं आता बट आई एम ट्राइंग सो so, हमारे नूडल्स अब बॉयल हो गए हैं कढ़ाई में हमने डाल दिया है शुद्ध कच्ची घानी सरसों का तेल और इसको हम थोड़ा पकने देंगे जब तक इसमें से धुआँ ना निकले पहले हमें लगा कि हमें दो मिर्चें डालनी चाहिए फिर हमें याद आया कि हम इसमें चिंग्स का शेज़वान चटनी डालने वाले हैं तो इसीलिए हमने दो की जगह एक मिर्ची यूज़ की ताकि हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो उसे खाने में और सीजनिंग के लिए हम यूज़ करने वाले हैं एम डी एच का जिंजर गार्लिक मसाला शेज़वान चटनी ऑफ चिंग्स चाइनीज़ एंड चिंग्स का ही सीजनिंग और ये है गाजर का हलवा जो अभी बॉयल हुआ है अभी इसको बहुत कुछ करना है शाम को खाने को मिलेगा उसके बाद हमने अपना लहसुन को अच्छे से कूट लिया इसकी चटनी बना दी उसके बाद हमने गरम गरम तेल में इसे डाल दिया एंड यहाँ पे यूजुअली मैं अपनी गैस जो होती है उसे ऑफ़ कर लेती हूँ बिकॉज हमारा लहसुन जो है वो जल सकता है इसलिए मैं इसे ऑफ़ ही कर देती हूँ एंड मैं इसे बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक ऑफ़ द हीट पकाती हूँ फिर इसमें मैंने डाली अपनी चॉप्ड चिलीज फिर उसमें एड ऑन किए वेजीज़ जो कि मेरी भाभी चाहती <laughs> थी कि मैं डालू ताकि उनका ये टैटू ऑफ बीइंग काइंड दिख सके <laughs> बट वो इतना आया नहीं बिक <laughs> फोकस सारा कढ़ाई पे था एंड यू कैन सी द दैज स्विटरलैंड उसके बाद मैंने इसमें मिक्स किया जिंजर गार्लिक पेस्ट एम डी एच कतर का अंग अंग भड़का और उसके बाद मैंने इसमें डाला चिंग्स चाइनीज़ शेज़वान चटनी और उसके बाद मैंने सोया सॉस ऐड की अब अपनी मर्जी के हिसाब से सोया सॉस ऐड कर सकते हैं बट मैं ज़्यादा डालना पसंद नहीं करती उसके बाद मैंने इसमें ऐड किए अपने नूडल्स और जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया बन गए थे फिर मैंने और भाभी ने हीटर के सामने पेप्सी के साथ ये नूडल्स खाए और मजा आ गया फिर शाम का टाइम हो गया था एंड शाम का प्लिक्स पीने का टाइम आ गया था और मैं इस म्यूजिक के साथ ऑब्सेस्ड हूँ मैंने प्लिक्स पीने के बाद आधा घंटा वेट किया फिर मैंने खोए के साथ गाजर के हलवे को लगाया तड़का और मैंने और मेरी मम्मा ने और मेरी भाभी ने बैठ के मज़े से मजा मेरे चाचू लाए थे ये पाइन ऐपल मुझे पाइन ऐपल्स बहुत बहुत पसंद है फिर मैंने इन्हें अपनी कलाकृतियों के साथ काटा यू कैन सी मैंने कोशिश की थी इन्हें स्टार शेप्स में काटने की बट प्रॉपर स्टार में नहीं थे बट ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे फिर मैंने ये पाइन ऐपल्स खाए अपनी फैमिली को भी खिलाया टुमारो बाय